हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन एकेडमी। आप देख रहे हैं रैंकिंग और ऑर्डरिंग, जिसे हम क्रम व्यवस्था भी कहते हैं। तो आपको पता है कि हम पूरा कंसेप्ट के साथ, मतलब जो है चैप्टर पूरा देख रहे हैं, और आज हमारी ये शायद 7वीं या 8वीं वीडियो है। इसके पहले मैं 6 या 7 चैप्टर आपको करवा चुका हूँ, जो कि पूरा कंसेप्ट के साथ है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक से जुड़ सकते हैं। अभी कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए वीडियो नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोचिंग का काम कुछ ज़्यादा ही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने में सबसे पहले हमारा है कंसेप्ट। तो देखिए, कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो फिर आप आगे कितनी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट है क्या, हम देख रहे हैं रैंकिंग के ऊपर। तो भैया, अगर रैंकिंग के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें क्या होगा, खूब से खूब आपको एक बात ध्यान रखनी है, दायां बायां, ठीक है। जो ध्यान रखने वाली है वो बता रहा हूँ। एक तो दायां बायां, जो मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, दायां और बायां, कम से कम 2-3 वीडियो है जिसमें मैं बता चुका हूँ दायां और बायां के बारे में। या फिर आप राइट एंड लेफ्ट के बारे में भी पता कर सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा एक अवरोही क्रम, एक आरोही क्रम, ठीक है। तो अवरोही और आरोही आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोगों ने 10th 12th पास की है, तो उसमें अवरोही क्रम और आरोही क्रम आया ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है, देखिए कंसेप्ट कैसे क्लियर करना है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक कोई लोग हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको बोल दिया कि स्टार्टिंग से लगाकर 7th नंबर तक जो है यहाँ पर राम बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये आगे से इस तरफ से चले हम, ठीक है, और कह दिया कि पीछे से कम 7th नंबर पर जो है वो श्याम बैठा हुआ है, ठीक है। और आपको बोल दिया कि टोटल नंबर, मतलब टोटल बच्चे जो है वो कितने हैं, 30 बच्चे हैं, ठीक है। तो 7 आगे से 7वें नंबर पर राम है, पीछे से 7वें नंबर पर श्याम है, और टोटल बच्चे कितने हैं, 70 है। तो आपको क्या बताना है, इस राम और श्याम के बीच के टोटल बच्चे कितने होंगे, यही बताना है ना आपको। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 7 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है। बीच के बताने हैं तो 30 में से आप 14 को घटा देंगे। आप कहेंगे कि ये क्या कंसेप्ट हुआ है, तो बहुत ईजी था, ठीक है। बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, और चेंज करने पर क्या कर दूंगा, कि यहाँ से 7वें नंबर पर राम है, और पीछे से, देखिए क्या कर क्या बोल रहा हूँ मैं, कि पीछे से, यहाँ पीछे से 11वें नंबर पर भी कौन है, राम है, ठीक है। अब मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि आगे से राम जो है वो 7वें नंबर पे है, और पीछे से राम जो है वो 11th, मतलब 11वें नंबर पर है। तो आप यहाँ देखेंगे एक बात कॉमन हो रही है, और वो क्या है कि आगे से जो राम का नंबर आ रहा है वो 7 पर आ रहा है, ठीक है, इसमें भी राम है, और पीछे से जो 11वें नंबर पर राम है इसमें भी तो राम है, मतलब राम को हमने कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार। तो यहाँ हमारा सूत्र क्या बनता है कि टोटल इज इक्वल टू होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। अब कहेंगे ये क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, टोटल तो आप सभी जानते हैं, कुल, कुल जो भी आपको निकालना हो, कुल पर्सन मतलब निकालना हो कि कितने लोग थे, कुल टोटल कितने लोग थे, कितने लड़के थे, लड़कियां थी, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कुल निकालना है, टोटल निकालना है, इज इक्वल टू आर प्लस एल, मतलब राइट और लेफ्ट, मतलब आपका दायां और बायां, या फिर आगे और पीछे, जो भी आपका आ जाए उन सब, उन दोनों को जोड़ना है, और जोड़कर एक घटाना है। तो आप कहेंगे आगे और पीछे जोड़ना है, तो ठीक है भैया, इधर से 7 जोड़ दिया, इधर से 11 जोड़ दिया, 11 और 7 हो गए 18, ठीक है। बट ये माइनस 1 भी तो है, तो 18 में से जब एक जाएगा तो आंसर क्या जाएगा आपका, 17, ठीक है। राम जो है वो, अगर आपको पूछ लिया जाए कि आगे से 7वें नंबर पे है, पीछे से वो 11वें नंबर पे है, तो बताना है कि टोटल कितने लड़के हैं इस लाइन में, तो टोटल कितने हैं, 17 बच्चे हैं, ठीक है। अब कैसे मैंने पता किया, कुल किया मैंने, कुल निकालना था इसलिए मैंने कुल बराबर आगे प्लस पीछे, मतलब आगे वाले 7 को जोड़ दिया, पीछे वाले 11 को जोड़ के एक घटा दिया। आप कहेंगे एक क्यों माइनस किया, एक इसलिए माइनस किया क्योंकि राम की काउंटिंग कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई, एक इस 7 में भी राम है और इस 11 में भी राम है, इसलिए हम हमेशा ही ऐसा करेंगे, जब भी ये वाला हम सूत्र लगाएंगे, और ये वाला लगभग हमें सभी में लगाना है, तो उसमें एक घटा देंगे, ठीक है। चलिए,
छोटा सा कंसेप्ट था, आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर पर, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पी क्यू आर एस और टी में एस आर से बड़ा है लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है, क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है। देखिए टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 लोग हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस और टी। अब कहा है मुझे कि एस आर से बड़ा है, एस जो है वो आर से बड़ा है। अब बड़ा है इसलिए मैं बड़े वाले को ऊपर लिखूंगा, छोटे वाले को अपने आप नीचे लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन एस जो है वो टी जितना बड़ा नहीं है, क्या कहा कि एस जो है वो टी जितना बड़ा नहीं है, मतलब टी बड़ा होगा, ठीक है। फिर आगे मुझे कहा कि क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, देखिए क्यू जो है वो सिर्फ पी से बड़ा है, तो अब आप यहाँ पर इसको मैंने अलग क्यों लिखा, मैंने क्यू और पी को यहाँ क्यों नहीं लिखा, या फिर क्यू और पी को मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं है ना क्यू कहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है। पी कहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा या पी यहाँ आएगा, ये मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने उसको अलग लिख दिया। और अलग लिखा क्यों है अभी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाली लाइन क्लियर हो गई कि टी सबसे बड़ा, एस फिर और आर फिर, क्यों, क्योंकि आर जो है वो सॉरी एस जो है वो आर से बड़ा है लेकिन एस जो है वो टी से बड़ा नहीं है, इसलिए टी बड़ा होगा ना इससे। नेक्स्ट में मुझे कहा है कि क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, तो क्यू भैया जो है वो सिर्फ पी से बड़ा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है, तो आप क्या आप निर्धारित कर सकते हैं कि उनमें से छोटा कौन है, आर छोटा है कि पी छोटा है, क्योंकि मान लीजिए पी यहाँ भी आ जाए और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर निर्धारित नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, निर्धारित नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं, तो ये फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ये कब होगा, जब आपने एक टेबल बना ली, टी एस आर क्यू और पी, मान लीजिए टेबल बन जाती, ठीक है, सबसे बड़ा आपको पता है टी है, सबसे छोटा पता है आपको पी है। अगर अब वो पूछता कि सबसे छोटा कौन है, तो पी है, और अगर मान लो ऑप्शन में आपको यहाँ पर पी नहीं दिया होता, कुछ और दिया होता, ठीक है, आर एस कुछ भी दे दिया होता, तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, बट ऑप्शन में पी कहीं भी नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होता, इनमें से कोई नहीं। बट यहाँ पर हमारा तो ये टेबल ही नहीं बन रही है ना भैया, क्योंकि टी एस और आर उसके बाद क्यू और पी की जगह कहाँ पर है आपको ये पता नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा कि निर्धारित हम नहीं कर सकते, है ना, या तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन अधूरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए बी सी डी और ई 5 स्टील के बॉक्स है, ई केवल ए से भारी है, देखिए क्या कहा है कि ई जो है वो केवल ए से भारी है, ठीक है, फिर सी जो है वो ए और ई से भारी है, देखिए सी जो है वो ए और ई दोनों से भारी है, मतलब सी कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि ए और ई दोनों से भारी है, और बी से कम भारी है, मतलब सी जो है वो किससे कम भारी है, बी से कम भारी है, ठीक है। फिर आगे, जो सबसे भारी नहीं है, निम्न में से कौन सा बॉक्स सबसे भारी है, क्या लिखा हुआ है, जो सबसे भारी नहीं है, बी से कम भारी है, जो सबसे भारी नहीं है, ये भी कहा है, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको फिर से बनाना चाहूँगा, क्या कहा है मुझे कि ई केवल ए से भारी है, ई जो है वो केवल ए से भारी है, केवल ए से भारी है, ठीक है, मतलब ए के नीचे अब कुछ नहीं होगा, ये केवल भारी है ना। फिर सी जो है वो ए और ई दोनों से भारी है, मतलब सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ ए और ई इन दोनों से भारी है, इसलिए ऊपर आ गया। फिर आगे, और बी से कम भारी है, मतलब सी जो है ये बी से कम भारी है, जो सबसे भारी नहीं है, मतलब बी जो है वो सबसे भारी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बी के ऊपर भी कुछ होना चाहिए, तो बच क्या रहा है, ए बी सी डी बच रहा है ना, तो डी जो है वो सबसे भारी होगा। अब आया समझ में कि यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इतनी सी लाइन का, जो सबसे भारी नहीं है, मतलब ये बी जो है वो सबसे भारी नहीं है, इससे भारी भी कुछ है, और वो क्या था, डी था, ठीक है। आपको पूछा है निम्न में से कौन सा बॉक्स सबसे भारी है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, एक या दो क्वेश्चन एक टाइप के रहेंगे, बाकी धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यह जानकारी पढ़िए, किरण इलाज से नाटी, यहाँ पर आएगा, पर सीमा से लंबी है, देखिए किरण मतलब के लिख देता हूँ, किरण जो है वो इलाज से नाटी, मतलब इलाज से छोटी है, पर सीमा से लंबी है, मतलब एस सीमा से लंबी है, ठीक है, यही हुआ फर्स्ट लाइन का, हो गया कंप्लीट। फिर सेकंड, उमा कीर्ति से नाटी है, देखिए उमा जो है वो कीर्ति से नाटी है पर किरण से लंबी है, अब देखिए उमा कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर मैं हल्के से गैप बना देता हूँ, के एंड एस, उमा कीर्ति से नाटी है, ठीक है, उमा जो है वो
यहाँ पर हल्के से थोड़ा पास में बना देता हूँ कि उमा जो है वो कीर्ति से नाटी है, कीर्ति से छोटी है पर किरण से लंबी है। मतलब उमा के बाद ऊपर कौन होगा, सॉरी कीर्ति के ऊपर कौन होगा, उमा होगी। और उमा के ऊपर के फोर यहाँ दो आ रहे हैं ना, किरण भी आ रहा है कीर्ति भी आ रहा है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, उमा जो है ये वाली ये कीर्ति से नाटी है, कीर्ति से छोटी है पर किरण से लंबी है, मतलब किरण से तो लंबी है। ठीक है, ये ऐसा बनेगा कुछ, एक आपका फर्स्ट वाला ऐसा बनेगा, सेकेंड वाले से कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पे आ जाइए, उन सब में सबसे लंबी कौन है। तो देखिए लंबी की बात हो रही है यहां पर, आप एक बात तो देखेंगे के फोर यहां पर कीर्ति है और यहां पर के फोर है किरण, ठीक है ये भी किरण है। तो एक बात यहां पर हमें पता चल गई कि उन सब में सबसे लंबी कौन है। तो यहां पर आप बता सकते हैं क्या कि उनमें लंबी कौन है, आई भी है और किरण भी है। ठीक है, आई फोर आपकी इला और यहां पर के फोर कृति। तो देखिए इन दोनों में आप ये नहीं बता सकते कि सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी अगर आप नहीं बता सकते तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तय नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट इन सब में सबसे नाटी कौन है। तो देखिए इन सब में सबसे नाटी आपको यहाँ पर एस दिख रहा है, और एस फोर क्या आ जाएगा आपका, एस फोर अगर आप देखें तो एस फोर सीमा। ठीक है, और सीमा यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो अगर सीमा ऑप्शन में नहीं है मतलब यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मुझे लेना था इसलिए मैंने ले लिया इसको, कि एक था तय नहीं किया जा सकता और एक है इनमें से कोई नहीं। आया समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कहा है मुझे कि प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है, पांच लड़कियों का एक समूह है, कामिनी ऊंचाई में सबसे अधिक से दूसरे नंबर पर, मतलब देखिए सबसे ऊपर कोई और है, सेकेंड पे आ जाएगा कामिनी है। ठीक है, फिर उसके आगे बात हुई है दूसरी है परंतु रूपा से छोटी है। क्या कहा है, कामिनी ऊंचाई में सबसे अधिक से दूसरी है परंतु रूपा से छोटी, मतलब सबसे ऊपर कौन है, रूपा, रूपा जो है वो ऊंचाई में सबसे लंबी है। फिर आगे देखते हैं, पूजा मोनिका से लंबी है, देखिए पूजा और मोनिका की बात हो रही है, पूजा मोनिका से लंबी है तो पूजा मोनिका को नीचे लिख दीजिए, परंतु आयु में छोटी है। देखिए अब यहाँ पर आयु का भी मैं बना लेता हूँ, आयु में जो है मोनिका बड़ी है और पूजा छोटी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मुझे कहा है पूजा मोनिका से लंबी है परंतु आयु में छोटी है। ठीक है, रूपा और मोनिका समान आयु की है, देखिए रूपा और मोनिका मतलब मोनिका यहाँ पर है तो रूपा भी यहाँ होगी। ठीक है, क्योंकि रूपा और मोनिका समान आयु की है परंतु रूपा उनमें सबसे लंबी है। देखिए रूपा क्या कहा है कि सबसे लंबी है तो ये सबसे ऊपर है। फिर आगे नीलम पूजा से लंबी है, देखिए पूजा से लंबी कौन है, नीलम, तो पूजा से लंबी अगर यहाँ नीलम है, मुझे कहा है पूजा नीलम जो है वो पूजा से लंबी है और रूपा से बड़ी है। देखिए क्या कहा है कि नीलम पूजा से लंबी है और रूपा से बड़ी है। ठीक है, रूपा से बड़ी है मतलब यहाँ पर आयु में बड़ी है वो, याद रखिएगा, तो नीलम की बात हो रही है तो नीलम जो है वो रूपा से बड़ी है। ठीक है, बड़ी है मतलब यहाँ पर आयु में बड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर मेरे पांचों लाइनें कंप्लीट हो चुकी है, कितनी लड़की है, रूपा, कामिनी, नीलम, पूजा और मोनिका। कामिनी की उम्र का मुझे कुछ पता नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए परंतु रूपा से छोटी है। ठीक है, परंतु अगर ये रूपा से छोटी है तो रूपा से छोटी मतलब ये यहाँ पर कहीं आएगी। ठीक है, कामिनी यहाँ कहीं आएगी क्योंकि वो एज में छोटी है ना, इसलिए। चलिए एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को कवर करना चाहूँगा, पांच लड़कियाँ थी, कामिनी ऊंचाई में सबसे अधिक से दूसरे पर है, ठीक है, परंतु रूपा से छोटी है मतलब यहाँ पर जो रूपा है इससे छोटी है। ठीक है, कामिनी, फिर पूजा मोनिका से लंबी है, पूजा जो है वो मोनिका से लंबी है परंतु आयु में छोटी है, तो मोनिका बड़ी है पूजा से। ठीक है, फिर आगे मुझे कहा है कि रूपा और मोनिका समान आयु की है, ठीक है रूपा और मोनिका समान आयु की है परंतु रूपा उनमें सबसे लंबी है, ठीक है रूपा को सबसे ऊपर कर दिया। फिर नीलम पूजा से लंबी है, नीलम जो है वो पूजा से लंबी है और रूपा से बड़ी है, ठीक है बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर मैंने करेक्ट कर दिया है सब कुछ। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यदि इनको ऊंचाई के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो तीसरी स्थिति में कौन होगा। देखिए यहाँ पर तीसरी स्थिति में कौन है, नीलम है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, फर्स्ट वाला नीलम। ठीक है, तो मोनिका, मोनिका या रूपा, रूपा या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर फोर्थ वाला।
ठीक है, क्योंकि भैया अगर आपने ऊंचाई में बढ़ते क्रम में रखा है तो तीसरे नंबर पर कौन, नीलम आ रही है ना, तो नीलम यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि इनको आयु के घटते क्रम में रखा जाए तो चौथे क्रम पर कौन होगा, तो देखिए घटते क्रम में मतलब ऊपर से नीचे की बात कर रहा है, तो चौथे नंबर पर कौन है, पूजा। ठीक है, तो देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, आयु की बात हो रही है तो आयु की बात यहाँ पर इस वाले बॉक्स की होगी। ठीक है, और इस वाले बॉक्स में अगर आप यहाँ पर देखें तो मुझे इस कामिनी और पूजा की एक बार फिर से देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कामिनी ने कहा, कामिनी के बारे में कहा है कि कामिनी जो है वो परंतु रूपा से छोटी है, मतलब कामिनी जो है वो रूपा से छोटी है, और पूजा के बारे में कहा है कि पूजा मोनिका से लंबी है परंतु आयु में छोटी है, मतलब मोनिका से पूजा भी छोटी है। तो भैया मोनिका और रूपा तो एक ही एज की है, ठीक है, बट इन दोनों से छोटी, एक है कामिनी रूपा से छोटी है और एक है मोनिका कामिनी से छोटी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि यदि इनको आयु के घटते क्रम में रखा जाए तो चौथे क्रम पर कौन होगी, तो देखिए 1, 2 एंड 3, और फोर्थ क्रम पे कौन होगी, कामिनी या पूजा। तो कामिनी या पूजा इन दोनों में से कोई हो सकता है, और अगर ऑप्शन में आप देखें तो पूजा का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, मोनिका या रूपा, मोनिका, कामिनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा क्लियर हो सकता है, थर्ड वाला कामिनी, बट पूजा भी हो सकती है, मैंने आपको कहा है पूजा और कामिनी में दोनों में से बड़ा कौन है आपको पता नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ करना है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कामिनी हो सकती है बट कामिनी की हमें पता नहीं है ना कि वो पूजा से बड़ी है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में सबसे कम आयु किसकी है, तो देखिए सबसे कम आयु किसकी है, यहाँ अगर आप फिर से वही बात करें तो पूजा या कामिनी, फिर से दो आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है, सिर्फ एक, सिर्फ पांचवा। देखिए अनावश्यक है, अनावश्यक की बात हो रही है कि सबसे इन सबका उत्तर याद करने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सिर्फ फर्स्ट, मतलब पांच लड़कियाँ एक समूह है, हाँ बिल्कुल फर्स्ट वाला, क्या ज़रूरत है इससे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, सेकेंड वाला, सॉरी सेकेंड वाले ऑप्शन में कहा है फिफ्थ वाला, तो नीलम पूजा से लंबी नहीं भैया, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड वाले की बात हो रही है कामिनी ऊंचाई में लंबी है परंतु रूपा से छोटी नहीं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, या तो फर्स्ट या फोर्थ। देखिए तो फर्स्ट या फोर्थ, तो यहाँ हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, इसका एक और सेकेंड पार्ट जो मैं बनाऊंगा उसमें हम हाई लेवल तक के जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो स्थान चेंज कर लेते हैं या उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको उसमें कवर करेंगे। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट था इसलिए थोड़ी सी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको दो टुकड़ों में बनाने वाला हूँ। तो कल जो आपकी वीडियो आने वाली है उसमें आपका पूरा बेस से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।